कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन जारी। कोरोना की दूसरी लहर देश में तेजी से फैल रही है और हर दिन 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे। देश में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच कुंभ मेले के आयोजन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अब चुप्पी तोड़ी। पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी से फोन पर बातचीत कर संतों का हालचाल जाना। पीएम मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात कर कुंभ मेला को समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरिजी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि संतों से कुंभ मेला समाप्त करने की अपील की। पीएम ने ट्वीट में लिखा, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम की तरफ से बातचीत के बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी ने ट्वीट कर कुंभ मेले में आने वाले लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है, मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए एवं नियमों का निर्वहन करें। हरिद्वार के अलग अलग अखाड़ों के कई साधु संत भी कोरोना की चपेट में आ चुके, जिनमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल। मध्य प्रदेश से आए निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना की वजह से 13 अप्रैल को मौत हो चुकी। 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कुंभ मेला क्षेत्र में 68 साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुंभ में शामिल कुल 13 अखाड़ों में से निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने इस महामारी के चलते कुंभ मेले की समाप्ति का ऐलान कर दिया। इन दोनों अखाड़ों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेला खत्म होने का ऐलान किया।